जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए आप लोग देख रहे होंगे बीपीएससी टीचर के बारे में बातें कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर तुलना किए हैं, देख लीजिए आप लोग, स्टेट 2019 से और बीपीएससी टीआरई से तुलना किए हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में जो कमी आई है गणित के क्वेश्चन में, तो लगभग इसका जो परसेंटेज 8% के आसपास, इससे थोड़ा कम या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि शिफ्ट के अनुसार बात करें, स्टेट 2019 में 4 शिफ्ट में ऑनलाइन परीक्षा हुए थे, तो ये भी बातें हैं। तो शिफ्ट के अनुसार से बात कर रहे हैं, तो लगभग 8% का यहाँ पर जो क्वेश्चन में कमी आई है गणित के क्वेश्चन में, तो इतना नुकसान हुआ है। कारण है कि अभ्यर्थी बात करें तो इसमें तो अधिकतर अभ्यर्थी ये सोशल साइंस से वाले अभ्यर्थी, जीएस वाले अभ्यर्थी तो हैं नहीं, इसमें जो ये कंप्यूटर साइंस से के अभ्यर्थी हैं, और एक तरह से कहा जाए तो पहले तो गणित से हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डी ई और ऑप्शन डी ई और कन्फ्यूजन, ये सब के कारण डी ऑप्शन और कन्फ्यूजन, ये सब के कारण भी 12% का नुकसान स्टेट 2019 की तुलना में बात कर रहे हैं। इसका जो लेवल भी बढ़ गया है स्टेट 2019 की तुलना में, इसको काफ़ी कठिन कहा जाए। कारण है कि इसमें भी डी और ई ऑप्शन है, कन्फ्यूजन भरा है, तो ये सब के कारण 12% यहाँ भी, और क्वेश्चन पेपर का लेवल ये सबको देखते हुए 5%। तो लगभग मैं बात करें तो 25% या फिर इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आप लोग मान कर चल सकते हैं। तो इसमें से स्टेट 2019 में से आप लोग 25% घटाकर मान सकते हैं इस अनुसार से। यदि 20% ही आप लोग घटाना चाहते हैं तो वो भी मान सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसे में कट ऑफ क्या बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 8 क्वेश्चन और भी, और इसमें स्टेट 2019 में ये है गणित की बात कर रहे हैं, इसमें तो गणित ही आया है, तो गणित की बात कर रहे हैं और इसमें तो दोनों आया था, तो यही बातें हैं। तो लगभग 8 क्वेश्चन इसमें, जबकि इसमें 17 से 20 करीब में, तो 8% करीब माने हैं, तो वही आसपास होगा। और इसके अलावा जो कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन, क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए और डी ई ऑप्शन को देखते हुए 15% इधर और इधर 8%, तो 25% के आसपास आप लोग मान के चल सकते हैं नुकसान में। अब आगे देख सकते हैं, ऐसे में 76 का 25% करते हैं तो 51% होता है। 50% यदि मान के चलते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो 50% यदि मानते हैं तो 60 होता है इसका, 120 का। और ये है कितने पद में, बिना डीबी का 1673 पद में इस अनुसार से यदि बात करें तो निकलता है। तो इस अनुसार से तो कट ऑफ तो काफ़ी कम जाते हैं, लेकिन सर्वे डाटा पर भी आगे बातें करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे में तो कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएंगे यदि इस अनुसार से विचार किया जाए, क्वेश्चन ये सब लेवल को देखते हुए सभी पर जो बातें की हैं अभी। तो कट ऑफ में भारी गिरावट के संकेत पर भी बातें किए हैं, तो कट ऑफ बिल्कुल ही निचले पायदान पर, तो उम्मीद है कि निचले पायदान पर जो बातें पहले भी स्पष्ट की हैं, कई उपाय कई कारण, 7 उपाय 7 कारण, ये सब स्पष्ट कर चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो इस कैलकुलेशन के अनुसार ही कट ऑफ निचले पायदान पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो 361 ये 1673 पद में, यहाँ पर आप लोग अच्छा से देख लें, बेस्ट केस में बात कर रहे हैं, तो बेस्ट केस में आप लोग देख सकते हैं कि जो ये है कितने पद पर, कितने पद पर है आप लोग देख लीजिए बेस्ट केस में। तो बेस्ट केस में ये है 1673 पद बिना डीबी का, जो ये आसपास में आ जाता है 61, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे लगभग हम बात किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 3000 पोस्ट यदि मान के चलते हैं तो 6 कम कर दिए हैं, और तो इतना बनता है। लेकिन यदि 6000 पोस्ट रहता तब कितना बनता, 48 मार्क्स करीब में तब बनता, जबकि इतने पद हैं तो इससे तो कम ही ऐसे में हो जाता है इस बेस्ट, जो बेस्ट केस में आप लोग देख रहे हैं बिना डीबी का। और वैसे तो कई कारण कई उपाय किए हैं, तो बेस्ट केस पर तो कम ही जाना चाहिए, लेकिन अब एवरेज केस पर बात कर लेंगे।
बेस्ट केस के हिसाब से बहुत ही निचले पायदान पर जो कट ऑफ सी एस का कंप्यूटर साइंस का। अब आगे देख लीजिए आप लोग स्टेट मार्क का जो परसेंटेज, ये सब आप लोग यहाँ कहेंगे कहाँ से 76% लाए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 1673 पद है, बिना डीवी का है, ये भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, तब कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। और इससे लेवल इसमें बढ़ चुका है और कई कारण कई इसमें भी स्पष्ट किए हैं कि गणित के बारे में भी और इसके अलावा लेवल के बारे में भी और डीई ऑप्शन के बारे में भी स्पष्ट किए हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए आप लोग यहाँ पर से भी एवरेज केस में, तो एवरेज केस में एसएसटी वाले जो कुछ हैं जो मान रहे हैं कि जो उसका क्वेश्चन पेपर बात करें तो कुछ हद तक जो कठिन तो उसमें भी है, लेकिन 15% ही मानकर चल रहे हैं कि घटाया जाए तब बात कर रहे हैं, तो एसएसटी अनुसार से ही सोच लेते हैं इसमें, वैसे तो 25% घटाए तो काफ़ी कम हो जाता है और ये निचले पायदान पर से भी बहुत कम हो जाता है बेस्ट केस में, लेकिन एवरेज केस में बात कर रहे हैं। अब एवरेज केस में आप लोग थोड़ा सा घटाएंगे तो 15% घटाएंगे, वही हुआ 15% घटाएंगे और घटेगा ही, वैसे तो 25% इस हिसाब से जो बातें की हैं सी एस के अनुसार से, लेकिन एस एस टी के अनुसार से इसमें भी वही अप्लाई कर दिए हैं, तो 1673 पद में आप लोग देखे होंगे कि जो 1673 पद में जो कट ऑफ था स्टेट में बात करें, स्टेट में आप लोग देखे होंगे यहाँ पर बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पर देख लीजिए पहले एवरेज केस ही देख लीजिए, आगे बातें करेंगे। 1673 पद में जो कट ऑफ था वो एसएसटी में जो 5000 पद में आसपास में वही आसपास में कट ऑफ स्टेट में देखे थे, तो वो भी बातें हैं, आगे बातें करेंगे उस पर भी। तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 1673 पद बिना डीवी का है, तो बिना डीवी का देख सकते हैं और यदि इस अनुसार से 15% ही घटाएं तो 61% बनता है। 1673 पद यदि रहता तो 73 मार्क करीब में, जबकि वही बातें हैं और जबकि एसएसटी में इतने 5000 पद में। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग बीपीएससी टीआरई यूआर कट ऑफ जब 1673 पोस्ट बिना डीवी का, तो बिना डीवी का तब कट ऑफ देखें आप लोग इतना 1673 पद में, जबकि जो इतने पद हैं तो इतना के आसपास में एवरेज केस में बात कर रहे हैं, तो एवरेज केस आप लोग देख लीजिए और आप लोग घटा लीजिएगा, 6 घटाए हैं उसको 7 घटा कर बातें स्पष्ट किए हैं। अब आगे देख सकते हैं जो जो नीचे जाते हैं संख्या बढ़ती जाती है, ये भी बातें हैं जो समझ सकते हैं अंक लाने वाले के। अब आगे देख सकते हैं, अब वर्स्ट केस की बात करें तो एसएसटी को छोड़कर किसी भी विषय का कट ऑफ के लिए जो ये केस हैं इस पर नहीं सोचा जाना चाहिए, यही बातें हैं, कारण भी स्पष्ट देख सकते हैं और कई कारण हैं, 7 उपाय भी बातें करेंगे इस वीडियो में भी आप लोग देखेंगे, तो इससे जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। एसएसटी कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग, एसएसटी और कट ऑफ में तुलना किए हैं, तो एसएसटी में तो कारण है कि जो इसमें कार्य शिक्षक काफ़ी अधिक हैं जबकि सीएस में ऐसा बात नहीं है, एसएसटी में 2011 काफ़ी अधिक हैं जबकि इसमें ऐसा बात नहीं है, एसएसटी में पोस्ट कम हैं अभ्यर्थी ज़्यादा हैं 6 गुना करीब में और कंप्यूटर साइंस उसे में 2 गुना करीब पड़ता है, पोस्ट के अनुसार बात करें बिना डीवी का पड़ता है, ये बिना डीवी का 2 गुना करीब उसमें एसएसटी में भी है बिना डीवी का ही है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एसएसटी 2019 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर वही बातें की हैं, तो यहाँ पर करीब करीब बात कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो एसएसटी में भी करीब करीब उतना ही गया था, 5054 पद में गया था उतना जितना कि 1673 पद में सीएस में, थोड़ा बहुत का अंतर था, ठीक है, इसलिए करीब करीब बात कर रहे हैं। बात है कि जो एसएसटी में अभी भी संख्या अधिक है, इस बार तो पद भी जो है पद के अनुसार से बात करें तो संख्या अभी भी अधिक ही है एसएसटी में। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कई रीजन हैं कई कारण हैं आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ में गिरावट के, सिलेबस कंफ्यूजन भी है एक इसमें, ये भी मामला है, और देख सकते हैं जो कि बीपीएससी जो चेयरमैन के माध्यम से जो बीपीएससी अध्यक्ष के माध्यम से जो एनसीईआरटी के बारे में एक बार जहां तक याद है लेकिन पूछा गया तो एनसीईआरटी की जगह पर जो पिछले बहुत ही जो सिलेबस
पूछा गया है, जो कि पुराना सिलेबस एक तरह से कह सकते हैं, जबकि जो के भी एस ये सब में चेंज हो चुका है सिलेबस, लेकिन इसमें सी प्लस प्लस ये सब पुराना सिलेबस ही कहा जाए, क्योंकि एन सी आर टी में तो है नहीं सी प्लस प्लस ये सब। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, टॉपिक जो कि न्यू टॉपिक में है ये सब है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अन्य कारण भी हैं जो कि दो साल के बाद बात करें तब क्या होगा, जबकि 40,000 से एक साल के बाद इतना कमी आया था संख्या में। आप लोग जानते हैं 40,000 से 28,000 ही परीक्षा में शामिल हुए थे, एक साल के बाद परीक्षा हुए थे ऑनलाइन परीक्षा। ज़्यादा बातें नहीं करी, ये सब बातें कर चुके हैं, 4 साल पहले की अभ्यर्थी से ही कंपटीशन है। ये भी कारण है कि जो इसमें नए अभ्यर्थी से कंपटीशन नहीं है, 4 साल पहले के अभ्यर्थी से कंपटीशन है, सभी विषय के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी विषय के अभ्यर्थी देखें। और बाकी उपाय पर भी बातें कर चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, जानकारी विस्तार से बातें की हैं, जो महिला पुरुष ये सब सीटें के बारे में, महिला की संख्या क्या और महिला की सीटें पुरुष को, और महिला से कंपटीशन नहीं कोटी में यदि शिफ्ट होने से शिफ्ट टेक्निक, ये सब के बारे में बातें किए हैं। 7 कारण देख सकते हैं, 7 उपाय देख सकते हैं। ये सब क्वालिफिकेशन का मामला भी देख सकते हैं।